दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से पहले जब कप्तान रोहित के सामने आई किंग कोहली की पलटन, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में भारतीय शेरों में प्राप्त हुआ ऐसा घमासान दहल उठा पाकिस्तान के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत का दिल। तो आखिर जब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी, बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्या, ऐसा क्या किया इस खिलाड़ी ने जिसे क्रिकेट इतिहास कभी भी नहीं भुला पाएगा? क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले जबरदस्त जंग में? रोहित और कोहली ने बनाए कितने रन? किसने मारी अंत में बाजी? रोमांच से भरपूर इस इंट्रा स्क्वाड मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 2024 T20 विश्व कप में टीम इंडिया के धमाकेदार जीत के साथ अपना बिगुल बज चुका है। भारतीय टीम ने आयरलैंड को केवल 12.2 ओवर में ही हरा दिया, लेकिन सच कहें तो आयरलैंड का टीम इंडिया से कोसों तक कोई मुकाबला नहीं है। असली मैच तो अब होने वाला है जब 9 जून को हमारे सामने खड़ी रहेगी पाकिस्तान की सबसे खूंखार टीम। ये मैच हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान को हमारा जानी दुश्मन माना जाता है और इंडिया में लोग कहते हैं कि भले ही वर्ल्ड कप हार जाओ पर पाकिस्तान से कभी मत हारना। ऐसे में ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो का है। ऐसे में अब न्यूयॉर्क के नशाऊ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले एक बेहद ही खतरनाक प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया, जिसके लिए भारतीय खेमा दो हिस्सों में बट गया। जहां एक टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई तो वहीं दूसरी की जिम्मेदारी थी किंग कोहली के कंधों पर। सभी खिलाड़ी अपनी निश्चित की हुई टीम में चले गए और एक जबरदस्त मुकाबले के लिए मैदान सज गया। जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा आंख मूंद कर उन्होंने अपनी पहले गेंदबाजी चुनी। कोहली की टीम के लिए बल्लेबाजी करने शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और इस कुछ ही अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में ही 55 रन जड़ दिए थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के आगे रोहित का कोई भी गेंदबाज सफलता हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया था। रोहित की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन कप्तान रोहित भी किसी से कम नहीं है। चालाकी दिखाते हुए उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को और इस खिलाड़ी ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले जायसवाल को चलता किया तो फिर शुभमन गिल को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर विराट कोहली की टीम की कमर तोड़ कर रख दी थी। जहां गिल 28 रन बना गए तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी 22 रनों का योगदान दिया और इसी के साथ दोस्तों जडेजा ने अचानक से मुकाबले को अपनी तरफ झुका दिया था। लेकिन रोहित के खेमे में अभी भी डर था क्योंकि मैदान में उतर चुके थे खुद कैप्टन विराट कोहली, उनके साथ हार्दिक की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें, चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, इन दोनों को रोक पाना कहां किसी के बस की बात थी। 10 ओवर में कोहली की टीम जहां 95 रन ठोक चुकी थी तो देखते ही देखते अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 16 ओवरों में हार्दिक पांड्या और कोहली ने अपनी टीम को 140 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां कोहली 58 रन बनाकर खेल रहे थे तो हार्दिक का बल्ला भी गरज रहा था। वो 49 रनों तक पहुंच चुके थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो ऐसा लग रहा था आसानी से वो दोनों अपनी टीम को 220 से 230 रनों तक भी पहुंचा सकते हैं। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले ही हार्दिक चलते बने, बुमराह ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई और अपनी टीम को मुकाबले में बराबरी पर लाकर खड़ा किया। लेकिन कोहली ने अंत तक हार नहीं मानी और शिवम दुबे के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 202 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, विराट ने कप्तानी पारी खेलते हुए 42 गेंदों पर 83 रन बनाए थे तो वहीं शिवम ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत अब रोहित के पलटन को जीत के लिए 203 रन बनाने थे। उनके लिए इस बार कप्तान रोहित के साथ संजू सैमसन की खौफनाक जोड़ी तबाही मचाने के इरादे से उतरी। सबको लगा था कि ये दोनों अपनी टीम को कमाल की शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन इस मैच में मियां भाई का जादू सिर चढ़कर बोला। पहले ओवर में ही उन्होंने संजू सैमसन को चलता कर रोहित की पलटन को बहुत बड़ा झटका दिया था। विराट और हार्दिक की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जहां संजू केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए
और अभी से विराट की पलटन इस मुकाबले में हावी नजर आने लगी। अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए अब यहां से किसी को बेहतरीन पारी खेलने की दरकार थी। ऐसे में अब खुद कप्तान रोहित ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्हें साथ मिला T20 के नंबर वन खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का, जो अपनी फॉर्म की तलाश में थे। और फिर देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाकर अर्धशतकीय पार्टनरशिप की और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ाने लगे। जी हाँ दोस्तों, अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। कप्तान रोहित शर्मा ने मिडॉन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ही पूरा कर विराट की हालत खराब कर दी थी। दोस्तों उनकी टीम को किसी भी कीमत पर वापसी करनी थी, ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी उठाई युजवेंद्र चहल ने। उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाया, जिसके जाल में फंसे कप्तान रोहित शर्मा वो 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे, जिसकी वजह से अब मुकाबला बराबरी पर आ चुका था। इस खतरनाक मैच में रोमांच अपने चरम पर था। रोहित की पलटन को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 79 रन चाहिए थे। विराट की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। सूर्य का साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे इनफॉर्म ऋषभ पंत, जहाँ दोस्तों सूर्य को रोक पाना आज भी किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। चहल के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर दिया था। अब बारी थी टीम को मैच जिताने की। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो हार्दिक पांड्या से लेकर विराट कोहली की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। पलक झपकते ही इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की और पूरे मैच की दिशा दशा को ही पलट कर रख दिया। विराट के गेंदबाजों को उन्होंने ऐसा पीटा मानो कि उनसे खिलवाड़ कर रहे हों। चाहे मिडॉन, चाहे मिडविकेट या फिर विकेट के पीछे ही चौका या छक्का क्यों ना लगाना हो, इन सितारों ने तो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से इस स्टेडियम में जलजला दिया था। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि ये मुकाबला जो विराट की झोली में था वो देखते ही देखते अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 15 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे सूर्य कुमार यादव। एक बार फिर इस खिलाड़ी पर मैच खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन जब वो बैटिंग पर होते हैं तो दबाव उन पर नहीं बल्कि गेंदबाज और सामने वाली टीम पर होता है, ये बात तो हर कोई अच्छी तरीके से जानता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों सूर्य को दुनिया का नंबर 1 T20 खिलाड़ी माना जाता है। बता दें अंतिम ओवर लेकर आए सिराज की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। पहले गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार डिपॉजिट किया, तो फिर मिड विकेट को चीरते हुए चौका बटोर लिया। इतने में ही उनका मन नहीं भरा तो तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर रोहित की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। हर कोई उनके लिए तालियां बजा रहा था। रोहित की पलटन तो जश्न मनाने लगी थी, आखिर हो भी क्यों ना। अब अंतिम गेंद पर उन्हें जीत के लिए केवल 5 रन चाहिए थे, ऐसा लगा कि मैच खत्म हो गया। लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने चालाकी दिखाते हुए 5वीं गेंद पर सूर्य को बीट किया, जिस पर उन्होंने कोई भी चौका या छक्का नहीं लिया और उन्हें सिंगल भी नहीं मिल पाया। अब मैच में रोमांच वापस आ चुका था, क्योंकि अंतिम गेंद पर रोहित की टीम को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था, क्योंकि लेकिन सूर्य के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था। उन्होंने अंतिम गेंद पर जब सिराज ने परफेक्ट यॉर्कर डाली, उसे भी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक अद्भुत तरीके से छक्के के लिए भेजकर अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी थी। विराट को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था। तो वहीं एक बार फिर पूरी दुनिया सूर्य की अद्भुत बल्लेबाजी की कायल हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले का ट्रेलर था, लेकिन आपको क्या लगता है सूर्य, रोहित और विराट में कौन पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।